आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, द क्वेश्चन इज व्हिच ऑर्गेनेली इज आल्सो कॉल्ड द डायरेक्टर ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। इट विल बी ऑब्वियसली आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ओनली कॉल्ड एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल। व्हाई? देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड इट। द फर्स्ट रीजन इट कंट्रोल्स एंड कंडक्ट्स द एक्टिविटीज इन द सेल, गोइंग इनसाइड द सेल। सो हम लिखेंगे इट कंट्रोल्स एंड कंडक्ट्स द एक्टिविटीज inside the cell. This is the first reason, inside the cell. The second and very important reason is it keeps the genetic information in the form of DNA. So hum likh lenge, it keeps the genetic information in form of DNA एंड क्रोमोसोम्स, ठीक है, स्टोर करता है हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। एंड थर्ड रीजन इज इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, दैट इज इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। एंड क्योंकि ये चीज, तीनों ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा जो न्यूक्लियस है उसे कहा जाता है द डायरेक्टर ऑफ द सेल। That is why option B will be the correct answer. Thank you. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा। आज ही download करें Doubtnut app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400400400 पर।